सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने बुधवार को दो न्यूक्लियर सबमरीन के स्वदेशी निर्माण की मंजूरी दे दी। साथ ही अमेरिका से 31 प्रेडेटर ड्रोन खरीदने की डील को भी मंजूरी मिल गई है और दोनों डील की लागत 80,000 करोड़ रुपए है। जानकारी के मुताबिक नौसेना को मिलने वाली दो न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन मिलेंगी, विशाखापट्टनम के शिप बिल्डिंग सेंटर में बनेंगी। इनके निर्माण में लार्सन एंड टर्बो जैसी प्राइवेट कंपनी भी हिस्सा लेगी और दोनों सबमरीन बनने में 40,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेवी ने इन पनडुब्बी की डील के लिए पीएम मोदी के सामने जनवरी 2024 में प्रस्ताव रखा था। 31 प्रेडेटर की 40,000 करोड़ रुपए में हुई ये डील थी। ये 31 ड्रोन में हेलफायर मिसाइल से लैस है। साथ ही ड्रोन से टारगेट पर प्रिसीजन गाइडेड बम और हाई फायर रोटरी तोप से भी हमला किया जा सकता है।